तो दोस्तों हम वापस आ चुके हैं एक नए रियल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आपके अपने चैनल रेव पर। तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन रिसेंटली लॉन्च Realme Neo TV और इसके स्पेसिफिकेशंस के बेस पर जानने की कोशिश करेंगे कि ये टीवी आपको डिस्प्ले, ऑडियो और स्मार्ट फीचर्स वाइज क्या क्या चीजें ऑफर करता है एट द प्राइस रेंज ऑफ 15,000। और एट द एंड हम इस टीवी को Realme के कोई और टीवी के साथ भी कंपेयर करेंगे जो इसी प्राइस रेंज के आसपास आता है और जानने की कोशिश करेंगे कि वेदर आपको आने वाले बिग बिलियन सेल पर इस टीवी को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। देयरफॉर फ्रेंड्स, लेट्स क्विकली स्टार्ट शेयरिंग अवर फर्स्ट इम्प्रेशन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टीवी के बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। इसमें आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा जिस पर आपको कोई भी वॉइस सर्च या वॉइस कमांड रिलेटेड बटन देखने को नहीं मिलेगा। फिर इस रिमोट कंट्रोल के लिए आपको दो बैटरीज मिल जाएंगे। फिर इस टीवी को टेबल टॉप करने के लिए दो स्टैंड्स मिल जाएगा। बट इस बॉक्स के अंदर आपको कोई भी वॉल माउंटिंग ब्रैकेट्स देखने को नहीं मिलेगा। और लास्टली आपको एक पावर केबल मिल जाएगा, ऑब्वियसली टू पावर अप दिस टीवी। अब हम इस टीवी के डिजाइन के बारे में बात करेंगे। ऑनेस्टली फ्रेंड्स, ये टीवी इस प्राइस रेंज में हमें बहुत ही प्रीमियम लुक देता है, क्योंकि अगर आप इस टीवी के फ्रंट साइड को देखोगे तो यहाँ पर आपको तीनों साइड में बहुत ही नैरो बेजल देखने को मिलेगा, या फिर आपको फ्रंट में ये एक बेजल लेस एक्सपीरियंस देगा। बट बॉटम सेक्शन पर आपको एक थिक बार मिल जाता है जिस पर आपको Realme का ब्रांड देखने को मिलता है। और अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से ये उतना थिक और बल्की नहीं लगता है। तो अगर आप इस टीवी को वॉल माउंटिंग करना चाहते हो तो ये टीवी उतना आपके वॉल से बाहर आता हुआ या आउट सा नहीं दिखेगा। तो आइए अब इस टीवी के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। इस मॉडल में आपको सिर्फ एक ही डिस्प्ले साइज मिलता है जो है 32 इंचेस का। और इस टीवी में आपको HD रेडी रेजोल्यूशन मिलता है, जिसका मतलब ये है कि ये टीवी आपको सिर्फ 720p तक का ही रेजोल्यूशन ऑफर कर रहा है। और इस टीवी में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसका मतलब ये है कि आप इस टीवी पर 60 फ्रेम पर सेकंड तक ही वीडियोस को प्ले कर पाओगे। और इस टीवी का डिस्प्ले टाइप D-LED है। और अगर आप सोच रहे हो ये D-LED क्या होता है, तो चलिए क्विकली देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये D-LED क्या है। यूजुअली बजट से लेकर मिड रेंज वाले टीवीज पर आपको दो टाइप ऑफ डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक है HLED और दूसरा है डायरेक्ट LED। तो HLED में क्या होता है कि जो LED लाइट्स होती है वो टीवी के एजेस पर इंस्टॉल होती है, जिसके वजह से हमें एक बेटर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट देखने को नहीं मिलता है। बट डायरेक्ट LED टीवीज पर जो LED लाइट्स होती है वो टीवी के मिडल सेक्शंस पर भी होती है, जिसके वजह से हमें एक अच्छा ब्राइटनेस तो मिलता है, एट द सेम टाइम एक ब्लैक और व्हाइट का अच्छा बैलेंस भी देखने को मिलता है। देयरफॉर फ्रेंड्स, इस बजट पे डायरेक्ट LED टीवी देना एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। अगर हम इस टीवी के व्यूइंग एंगल की बात करें तो ऑन पेपर्स ये टीवी आपको 178 डिग्री व्यूइंग एंगल ऑफर करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस टीवी को साइड से भी देखोगे तो आपको उतना कलर शिफ्टिंग या कलर स्विचिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा। बट हमें लगता है कि व्यूइंग एंगल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें नंबर्स के बेस पर नहीं जज करना चाहिए। इनफैक्ट हमें इसे इसके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेस पर ही जज करना चाहिए। Therefore, हम व्यूइंग एंगल के डिपार्टमेंट में कोई भी कंक्लूजन इस टीवी पर नहीं दे पाएंगे। इस टीवी के बैक साइड पर आपको दो HDMI पोर्ट्स मिल जाएंगे, बट इन HDMI पोर्ट्स पर आपको कोई आर्क फीचर नहीं मिलेगा। एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट भी मिलेगा और एनालॉग ऑडियो वीडियो कनेक्शन के लिए आपको एक AV पोर्ट भी मिलेगा। और लास्टली इथरनेट केबल के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए LAN पोर्ट भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बजट में इतने सारे पोर्ट्स मिलना एक बढ़िया फीचर है, बट अगर HDMI के साथ आर्क फीचर भी होता तो ये एक बहुत ही बड़ा एड ऑन होता। स्पेसिफिकेशंस वाइज इस टीवी में आपको सिर्फ 512 MB रैम मिलता है और 4GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। माना कि ये टीवी एक एंट्री लेवल टीवी है या लो एंड टीवी है, बट फिर भी 512 MB रैम और 4GB इंटरनल स्टोरेज बहुत ही कम है एक स्मार्ट टीवी को रन करने के लिए। सेकेंडली, इसमें आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, तो क्वाड कोर प्रोसेसर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे हिसाब से इसमें थोड़ा और ज्यादा इंटरनल स्टोरेज और रैम होना चाहिए था। और लास्टली, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्शन भी मिल जाता है।
इस टीवी में आपको वाईफाई कनेक्शन भी मिल जाता है और वाईफाई कनेक्शन में आपको सिर्फ एक ही बैंड देखने को मिलता है, वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 30 या 40 एमबीपीएस से ज़्यादा इंटरनेट स्पीड है तो आपको वो स्पीड इस टीवी में नहीं मिलेगा। इस टीवी में आपको अप टू 30-40 एमबीपीएस के बीच में ही स्पीड मिलेगा। 40 एमबीपीएस से ज़्यादा स्पीड आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड पर मिलता है जो इस टीवी पर नहीं है, बट हमारे हिसाब से इस बजट में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड भी इनफ है। अगर इस टीवी के साउंड और ऑडियो की बात करें तो इस पर आपको दो स्पीकर्स मिल जाएंगे जिसमें से आपको 20 वॉट साउंड आउटपुट मिलेगा। और अगर हम डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट की बात करें तो इस पर आपको डॉल्बी ऑडियो मिलता है, बट कंपनी ने कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको कौन सा डॉल्बी ऑडियो फॉर्मेट एग्जैक्टली मिलता है। बट हमें लगता है कि इस बजट में आपको सिर्फ 5.1 चैनल तक ही डॉल्बी ऑडियो मिलेगा और वो डॉल्बी ऑडियो हमारे हिसाब से नॉर्मल डॉल्बी ऑडियो होगा, ना कि कोई डॉल्बी डिजिटल प्लस जैसा फॉर्मेट। फ्रेंड्स, लास्टली हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करेंगे जो रिलेटेड है इस टीवी के स्मार्ट फीचर से। ये टीवी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होता है जिसका यूजर इंटरफेस हमें सैमसंग टाइजन ओएस की याद दिलाता है, क्योंकि इसके यूजर इंटरफेस पर भी हमें बॉटम सेक्शन पर एप्स ड्रॉअर मिलता है और ये एप्स आइकन हमें टाइल शेप में मिलता है। फ्रेंड्स, आजकल हम स्मार्ट टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या स्ट्रीमिंग एप्स को रन करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार और यूट्यूब ऑब्वियसली। बट अनफॉर्चुनेटली इस टीवी पर आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसे एप्स को इंस्टॉल करके यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन एप्स को सपोर्ट नहीं करता है। बट आप यूट्यूब को फुल फ्लेजली इस पर यूज कर पाओगे। तो अगर आप डिज्नी हॉटस्टार और प्राइम वीडियो जैसे एप्स को यूज करने के लिए इस टीवी को खरीदना चाहते हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि फिलहाल ये टीवी इन एप्स को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन को टीवी पर मिरर करना चाहते हो या कास्ट करना चाहते हो तो ये भी फीचर इस पर अवेलेबल है, क्योंकि क्विक कास्ट जैसे ऐप के थ्रू आप अपने मोबाइल स्क्रीन को मिरर कर पाते हो इस टीवी के स्क्रीन पर। ये क्विक कास्ट मीरा कास्ट जैसा वर्क करता है, तो इसके थ्रू आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को टीवी पर देख पाओगे। फ्रेंड्स, अगर आप एडिशनल 2000 रुपीज पे करने के लिए रेडी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको रियलमी का 2020 मॉडल को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इस मॉडल में भी HD रेडी स्क्रीन आता है, बट इस पर आपको 24 वॉट क्वाड स्टीरियो स्पीकर मिलता है विथ एंड्रॉयड सर्टिफाइड OS और इस पर आपको प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स का भी सपोर्ट मिल जाएगा। और जो स्मार्ट रिमोट इसके साथ मिलेगा उस पर आपको वॉइस सर्च और वॉइस कमांड के लिए गूगल असिस्टेंट का बटन मिल जाएगा। प्लस इस पर आपको 1GB रैम और इंटरनल स्टोरेज 8GB का मिलेगा। और जो पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में HDMI पोर्ट मिलेगा उस पर आपको ARC का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो एडिशनल 2000 रुपीज में आपको ये बहुत कुछ ऑफर कर रहा है, तो इस मॉडल को जरूर कंसिडर कीजिए। बट फ्रेंड्स, अगर आप 19,000 रुपीज पे करने के लिए रेडी हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको रियलमी ने जो 2021 में मॉडल लॉन्च किया था उसे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इस मॉडल में आपको फुल HD रेजोल्यूशन स्क्रीन मिल जाता है, प्लस आपको वो सारे ऑप्शंस या फीचर्स मिल जाएंगे जो HD रेडी वाले स्क्रीन में भी है, जैसे कि 1GB रैम, 8GB इंटरनल स्टोरेज, स्मार्ट रिमोट विद गूगल असिस्टेंट, HDMI ARC पोर्ट, सर्टिफाइड एंड्रॉयड OS विद नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो सपोर्ट। ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, बट आपको 19,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अल्टीमेटली सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बजट, पर्पस और यूजेज के हिसाब से ही डिसीजन को ले। तो ये था एक ओवरऑल इंप्रेशन वीडियो ऑन रियलमी नियो टीवी। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर किया है उस इंफॉर्मेशन को हमने डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट किया है, इंक्लूडिंग रियलमीज ओन ऑफिशियल वेबसाइट। बट आपको इस वीडियो से एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि ये टीवी एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे वीडियोस को टाइम पर देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। हम फ्यूचर में ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, बट इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।